मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूं। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह दिल्ली शहर में एक लाजपत नगर जगह है। वहाँ पे एक मद्रासी बस्ती है। मद्रासी बस्ती में सारी ही लेडीज कोठियों में काम करती, घरों में काम करते अपना दिन गुजार रही थी, और आदमी मजदूरी किया करते। और जितने भी लड़कियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती वह कोठियों में काम करने चली जाती, और उनके घर की लेडीज भी कोठियों में काम करती और घरों में काम करती, ऐसे करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे वे सब। एक दिन क्या होता, इसी कॉलोनी की एक लड़की कोठी में काम करने के लिए गई थी। वहाँ से एक फोन आता है उसकी मम्मी के पास, और मम्मी से वह चीख चीख के बोलने लगती है कुछ। जब उसकी मम्मी हेलो हेलो करती है तो वह एक ही बात बोल पाती है, मम्मी 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 करती है, लेकिन कुछ बात नहीं बोल पाती। इधर उसकी मम्मी हेलो हेलो करती रह जाती है, लेकिन उधर से फोन कट जाता है। इतने में वह वहाँ दौड़ी चली जाती है। जब वह जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी की हत्या हो चुकी थी, उसकी बेटी मर चुकी थी। अब यह बात का पता लगाना बहुत जरूरी था कि इसकी हत्या हुई है या वह खुद मरी है। वह उसके जाट में जुट गई। उस लड़की की माँ उस घर में गई और उनसे पूछा कि मेरी बेटी कैसे मरी, तो उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी को करंट लग गया। और एक बार ये भी बोलने लगे कि उसने अपने ऊपर तेल डाल लिया। कभी ये बोलते कि तुम्हारी बेटी को चक्कर आते थे, मतलब तरह तरह की बातें करने लगे। उसकी माँ को शक हुआ, उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई तुरंत। पुलिस आने के बाद दरवाजा बंद करती है जहाँ पे लड़की की लाश पड़ी थी। लड़की की माँ को बाहर ही रहने देते हैं, उसको अंदर नहीं ले जाते। और जब अंदर नहीं ले जाने देते तो उसकी माँ को शक होता है कि पुलिस अंदर गई और उसके घर वाले भी अंदर गए, कोठी वाले सारे, और मुझे बाहर क्यों छोड़ा। तो बाहर आने के बाद पुलिस आके कहती है तुम्हारी बेटी करंट लगने से मरी है, और उसको चक्कर भी आते थे, बीमार भी रहती थी। ऐसे करके उसकी माँ कहती है नहीं, मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी, उसको कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ थी, और यदि बीमार होती तो मैं काम करने के लिए कैसे भेजती। ऐसे करके पुलिस से सवाल जवाब करती है। जब पुलिस से सवाल जवाब करती है तो पुलिस कहती है हम छानबीन कर रहे हैं, तुम अपने घर जाओ। लेकिन एक माँ अपनी बेटी के वहाँ पर लाश छोड़ के, एक जवान बेटी की जब मौत हो जाती है तो एक माँ कैसे घर जाके वापस से बैठ सकती है आराम से। उसने पुलिस थाने में फिर से दोबारा से गई, और जाने के बाद कहने लगी तुम जांच करो मेरी बेटी की हत्या हुई है। वह सवाल उठाने लगी, पुलिस वाले कहने लगे तुम अपने घर जाओ, हम जांच कर रहे हैं। फिर मीडिया वाले छोटी बहन से पूछते कि तुमने वहाँ से काम क्यों छोड़ा, तुम क्यों नहीं जाती काम पे। तो वह कहने लगी उसकी छोटी बहन जो मरी थी, उसकी छोटी बहन से सवाल जवाब करने के बाद वह बोलती है कि पहले मैं ही जाती थी, लेकिन वहाँ का जो मालिक है वो मुझे शरीर में हाथ लगा के बात करता था और मुझे छेड़खानी करता था। जब मैंने मम्मी को आके बताया तो मम्मी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं काम पे नहीं जाऊँगी, तो मम्मी ने मेरे बदले बड़ी बहन को भेज दिया, और मेरी बड़ी बहन के साथ भी शायद ऐसे हुआ होगा, इसी वजह से उन्होंने उसको मार दिया। और उसके लगता है कि उसका गला दबा के मारा है, क्योंकि यदि गला दबाते हैं तो फिर जीभ जरूर बाहर निकल जाती है, मेरी दीदी की जीभ बाहर निकली हुई थी। ऐसे करके घर के सारे लोग बयान देते हैं। जब इस लड़की की मौत की खबर सारे में फैल जाती तो मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। मीडिया वाले घर का बयान लेते हैं। जब बयान लेते तो लड़की की माँ से पूछते हैं, तो लड़की की माँ सारी बात बताती है कि जो कोठी वाला बंदा था, उसकी छोटी बहन जब काम करने के लिए जाती थी तो वह वहाँ पे उसको हाथ लगा के बात करता था, छेड़ता था उसको। जब उसने मेरे को ये बात बताई तो मैंने अपनी बेटी की बात पे भरोसा नहीं किया और उसको काम से जाने में रोक दिया, और फिर बड़ी बेटी को वहाँ पे काम के लिए भेजा। शायद उन्होंने ऐसा ही कुछ हरकत की होगी, इसीलिए मेरी लड़की ने ऑब्जेक्शन उठाया होगा जब उसको छेड़खानी कर रहा था, इसी वजह से मेरी बेटी को मार डाला इन्होंने। और जब कोई मरता है, करंट लगता है या कुछ होता है, उसके शरीर नीला पड़ जाता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, और शरीर भी आधा जला हुआ था और उसकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी। वह सारी बात उन मीडिया वालों को बताती है उसकी माँ कि मेरी बेटी को इन्होंने हत्या की है, क्योंकि यदि करंट लगता तो वह नीली पड़ी होती, और शरीर यदि वह खुद आग लगाती तो पूरा शरीर जलता, आधा शरीर ना जलता, और यदि वह बीमार होती तो मुझे तो पता होता। ऐसे करके सारी बात वह मीडिया वालों को बताती है। क्योंकि माँ एक और बात बता रही थी कि पुलिस को जब हम सारी बात बता रहे थे तो पुलिस खड़े होकर हंस रही थी, उनको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था। और एक बात बताती है कि जब हम थाने में पहुँचे
तो कोठी वाले वहाँ पे पहले से ही पहुँच हुए थे, पुलिस वाले से बात कर रहे थे, तो हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती। 19 दिन हो गए, हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली, और इतने दिन हो गए हमें कुछ नहीं पता चला कि हमारी बेटी कैसे मरी। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि हम गरीब हैं। ऐसे करके रो रो के उसकी माँ मीडिया वालों को सारी बात बता रही थी, क्योंकि वह गरीब थी इसकी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और जो कोठी वाले थे वो पहले से ही थाने में जाके पुलिस वाले से बहुत बातचीत कर रहे थे, ऐसे में सवाल उठा रहे थे पुलिस वाले पे, जो जितने भी घर वाले लोग थे। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये, गरीब लोग किसी के घर में नौकरी करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन या खाना बनाने कुछ भी काम करते हैं, तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? इज्जत तो सबकी एक बराबर होती है, चाहे कोठी वाले हो चाहे गरीब हो, तो सबकी इज्जत तो एक बराबर हुई ना। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते लोग? यदि उनको ऐसे ही काम करना होता तो क्यों लोग सोचते हैं कि इनको छेड़ेंगे, इनके संग कोई भी गलत काम करेंगे तो ये ऑब्जेक्शन नहीं करेंगी? ऑब्जेक्शन तो जरूर करेंगी, क्योंकि यदि उन्हें ये काम करना होता तो ये तुम्हारे घर में काम क्यों करती? ऐसा ही काम करके अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारती। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, इज्जत से जीना चाहते हैं, इज्जत से कमाना चाहते हैं, सोचते अच्छे से रहे, लेकिन ये लोग इनको जीने नहीं देते। सोचते हैं गरीब है तो कुछ भी कर लेंगी, हम इनको छेड़ेंगे चाहे इनकी इज्जत उतारेंगे तो ये इज्जत उतरवा लेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब की इज्जत भी एक जैसी होती है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। एक बार और सबसे कहना चाहती हूँ, यदि उन्होंने उस लड़की को नहीं मारा था तो पहले से थाने में क्यों बैठी हुई थी? उसकी माँ तो ये सवाल सही कर रही थी कि हम तो बाद में पहुँचे थाने में, उससे पहले जो कोठी वाले थे वह थाने में पहुँच गए थे, पुलिस वाले से बातचीत कर रहे थे। उसकी लड़की का माँ का जो इल्ज़ाम था कि उनके कोठी वालों ने कुछ किया है, उन्होंने मारा है, तो उसका इल्ज़ाम जो है वह बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि यदि वह सही होते तो वहाँ पे पुलिस थाने में पहले से ही क्यों बैठे हुए थे। और एक बात मैं सबसे कहना चाहती हूँ, क्या काम वाली बाई के बिना किसी का गुजारा है? बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा ही होता रहा, कोई भी काम वाली बाई किसी के घर में काम करेगी नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग तो खुद अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े कोठियों के लोग तो अपना काम खुद कभी भी नहीं करते, इनके बिना इनका गुजारा कैसे होगा? लेकिन ये बात नहीं सोचते कभी भी, ये सोचते ये तो गरीब है, इनके संग जैसा भी करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे छेड़खानी करेंगे और फिर पैसे दे के रफा दफा कर देंगे। लेकिन ये नहीं सोचते यदि ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी किसी के घर में काम करेगा ही नहीं। एक बात मैं अंत में सबसे कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी गरीब के संग ऐसा ना करें, चाहे कोई मजदूर हो चाहे घर में काम करने वाला हो, कभी भी उसके संग ऐसा गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि यदि आप उसके संग गलत व्यवहार करोगे तो वह ये काम करना छोड़ ही देंगे। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इज्जत सबकी एक बराबर होती है, गरीब के पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनके पास एक इज्जत होती है, यदि वही ख़त्म हो गई तो वह क्या लेकर जिएंगे? मैं सबसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी के संग ऐसा व्यवहार ना करें। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट तो जरूर कीजिए, आपके कमेंट से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, उनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।